राम राम जी, सारे उम्मीद करो सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे, सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। तो भी देख सको हो मेरी रसोई का हाल कितना बुरा हो रहा है। सुबह खाना खुना बनाने बनावा हाँ, दूध चाय चूहे बनावा हाँ, दूध गर्म करा हाँ, तो बुरा लो जा उस टाइम पर, तो बच्चे बच्चे की रोटी बनावा हाँ। तो भाई खाना खुना हो गया कंप्लीट सारा, सारे ने खाना खा लिया है। तो अभी मैं समाऊंगी अपनी रसोई ने, पहले तो डाल देती हूँ इसमें मोटे मोटे सारे बर्तन, प्रातः में सारे बर्तन रख देती हूँ। और फिर है ना जो सब्जी सब्जी बच रही है, मोटे मोटे बर्तन है, सारे बर्तन सारे का सामान निकाल देती हूँ इसमें। जितना सब्जी है मेरी, तो ये सब्जी मैं इसमें निकाल देती हूँ, बची हुई सब्जी है, क्योंकि सब ना खा लिया है, गर्म करने की जरूरत नहीं। कुकर फिर अच्छा ना लग जाकर इसमें रसोई में रखा ना करा, बड़े बड़े भी सारी कंप्लीट कर दिया करा रसोई में। तो मैंने सब्जी निकाल ली है सारी इसमें, क्योंकि गर्म गर्म करेंगे तो फिर इस सब हो जाएगी गर्म। तो इसको ढक के रख देती हूँ मैं यहाँ पर, और सीत रह रहा है सीत इसे लोटे में डाल देती हूँ, क्योंकि जग भी खत्म हो जाएगा ये छोटा जो बड़े बड़े सामान में है ना, क्योंकि सारा ना खा पी लिया, ये छोटे छोटे बर्तन में सारा सामान आ जाएगा। ये लस्सी डाल दी है इसमें, और चाय चूहे बनेगी, ये दूध इसमें निकाल देती हूँ मैं। तो ये चाय बनाई थी गुड़िया, इसने उगड़ाई छोड़ गई, तो ये हो गया दूध, हो गया दूध को फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि डेक्ची में भी दूध है वो भी फ्रिज में रखना है, वो भी गर्म कर रखा है। लस्सी को रख देती हूँ यहीं पर मैं, और दही भी बची हुई है मेरी, दो पैर ले आऊंगी दही भी, यही रख देती हूँ मैं। ये घी दूध है, ये घी है इसमें, ये फ्रिज में रख दूंगी। और मैं ये कर देती हूँ मैं अपने डिब्बे सेट, तो भी ये डिब्बे सेट कर देती हूँ मैं यहाँ पर सारे, यूं के यूं किंडे मंडे पड़े हैं, सफाई सफुई तो इनकी हो रही थी, कर देते रह है, पर ऐसे ही साफ वैसे ही रख रही हूँ मैं इनको सभी डिब्बों को, क्योंकि सेटिंग करनी बहुत जरूरी होती है डिब्बों की भी, किंडे मंडे ना रहो मैं। तो भी मैंने सारे डिब्बे सेट कर दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा के बर्तन है सारे प्राप्त रख लिए हैं, और अब सलेब साफ कर दूंगी मैं, ये पूरे खाती हूँ बाहर। इन बर्तनों को बाहर रखाती हूँ, और फिर है ना झाड़ू लगा के फिर जो फ्रिज में रखना सामान, बापरे कई पता नहीं अल्ले जो फ्रिज में रखना सामान वो फ्रिज में रखूंगी, और फिर यहाँ लगाऊंगी झाड़ू। पहले मैं कर देती हूँ बाहर रखा हूँ, और फ्रिज का सामान फ्रिज में रख देती हूँ। बर्तन बर्तन मैंने सारे निकाल दिए हैं, मैं लगा दूँ झाड़ू। एक कमेंट में आ रही थी कि भाई स्लेब पर झाड़ू नहीं निकाला करते हैं, तो झाड़ू बुरी चीज थोड़ी है, तो अब तो स्पेशल है ना इसकी झाड़ू की, रसोई की स्पेशल झाड़ू रखा करा है यार, क्योंकि चून चान बढ़ जाए सारा निकल जा, और पोचे गला एक पोचा खराब हो जाए तो ना सूख है, तो रोज की रोज हम पोचा नहीं कहा करा, ये स्पेशल है ना इसकी रसोई की झाड़ू है, रसोई की झाड़ू अलग से रखा कर, झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती है, और कभी भी झाड़ू को लांगना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं लांगना चाहिए झाड़ू को, और ना ही मतलब अगर पैर पूर लांग जा खुदा न खास्ता तो उसको छू लेनी, लक्ष्मी का रूप होता है, और झाड़ू कभी भी दिखाकर भी नहीं रखना चाहिए। तो भी स्लेब कर दिया मैंने सारा साफ, बर्तन बर्तन भी सारे निकाल दिए थे, ये निकाल दू मैं नीचे को, तो भी स्लेब स्लेब कर दिया मैंने साफ, और ये भी निकाल दू यहाँ को झाड़ू नीचे को, क्योंकि काम सारा बर्तन बर्तन निकालने के बाद है ना, रसोई सारे साफ करने के बाद ही तभी सारे बर्तन साफ करा करा हाँ, क्योंकि सारे बर्तन नहीं, क्योंकि चून चांद देखो कैसे लग गया इसमें, ये स्पेशल रसोई की झाड़ू है, कभी भी झाड़ू को लंगना नहीं चाहिए, कभी भी मतलब बाहर की तरफ मुंह करके नहीं रखना चाहिए झाड़ू को, झाड़ू अगर चीज मानना तो सब कुछ में सारी चीजा में गुण होते हैं, हर चीज में गुण होते हैं, क्योंकि पहले झाड़ू यूं लगा दिया करते बड़े शाने है ना, तो जिस तरह अपना खेत खात में काम करया करते पोकर का करते, उड़द बुआरी भी ना कया करते पोकर का आ करते ही ना, बहुत मानता फिर रखा करते झाड़ू की, और ये कई फेंक दे हैं, और झाड़ू मतलब लांगना भी नहीं चाहिए, ठोकर भी नहीं मारनी चाहिए पैर के साथ, पैर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए झाड़ू का, अगर मान ले खुदा खास्ता लाग भी जावे तो उसको छू ले चुचकार ले भाई गलती होगी, क्योंकि ये भी एक लक्ष्मी का ही रूप माना गया है झाड़ू के।
तो भी झाड़ू मैंने निकाल दिया है यहाँ पर। अब मैं बर्तन साफ करूंगी, बर्तन साफ करने के बाद लगाऊंगी यहाँ पर पोछा। तो बगड़ में और अंदर सारा और पोछा झाड़ू लगा रखा है, सारा काम कर रखा है बगड़ में और अंदर और सारा काम कर रखा है। बस रसोई का बाद में हुआ है, क्योंकि साइड में रसोई है, सारा खाना खुना खाने के बाद है ना, और तो सारा काम संभवाया जावा है, रसोई का पीछे से हुआ है। तो मैंने झाड़ू झूड़ लगा लिया, मैं साफ करूं बर्तन। गर्म पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सारे नहा लिए सुबह सुबह है ना, फिर थोड़ा पानी रह गया बर्तना खाते टंकी में, फिर तो करना लाइट आ जाएगी, फिर गर्म कर लेंगे। तो ये तो कुछ पाने वाली बात सुन सब अपना राड पर गर्म पानी करा है, नहा दी तक ये छुट गया आ रहा है, मतलब पानी को दर्द है। और सुबह सुबह खाते सारे नहा लिया करा गर्म पानी है ना, बाल भी करा हाड़े भी करा। बर्तन कर दू साफ ही, रसोई सारी मैंने सले सले का पोचा मार दिया और बर्तन साफ कर दिए, बर्तन लगा दिए, सारा काम हो गया। नीचे का रह गया, नीचे पोछा लगाऊंगा। और अब तक है ना 10 बज चुके हैं, 10 बजे तक कोई मतलब गांव घूम की माड़ी भी ये नहीं है कि भाई गांव धूप निकलेगा, बिल्कुल अंधेरा ही है और धुंध पड़न लग रही है। तो फिर मैं भी अपना काम कंप्लीट करके मखा गुजरन बढ़ जाऊंगी, रसोई रसोई में पोछा मारना रह रहा है। और भी पोचा मरना तो मोटे मोटे आदमी आते डॉक्टर भी बतावा है, कहेंगे पोचा मारा करो अब पोचा लगता तो कौन है, इतना मखू खड़े खड़े तो ला दे, मेरे सारे सुनो जब छोटी होगी तो छोटी चीजा मको तो पोचा लगा दे, बड़ी चीजा पोचा लगा लगता तो कौन है। तो कहेंगे वजन कम करना है तो अपना पोचा लगाओ, कि मेरे इसलिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है कौन है। पोचा में सारी प्रैक्टिस हो जाओ हो जाओ है अब तो, और तो कोई दिक्कत को ना, जो कुछ को पोचा पोचा मारू पोचा मारते मारते फिर आकर जंग देखो ना, तो ये जो पाँव की नीचे वाली नसन है ये पता नहीं एकदम ऊपर तली चढ़ जाओ, फिर तेरी मुंडी दुख है कदी पूरे खड़ी ले जाऊं। रसोई में पोचा भी लग गया मेरा और मेरा काम कंप्लीट हो गया सारा। इवे ना चाहे अपने गुदड़े में बढ़ू चाहे मैं करूँ गुदड़े में बढ़ूंगी, जाके मतलब के काम कर जा कुछ ना करा जाऊंगा, पाठ जा मशीन पर बैठांगे तो भी पाठ जाऊंगे, और फिर वही बात अभी बैठन लग जाए, बैठन लग जाए तो कई दिन तक घर पर पड़े रहना पड़ेगा, काम करना भी पड़ेगा, और फिर डॉक्टर का पीछे भी लागेंगे। इस तरह से अपना जगता है बंदे रख है, और बतेरे दिन गर्म पड़ेंगे जब मशीन मशीन का कर लेंगे, कि जरूरी है मशीन का कर लो। ना कह अटकस हो गए, मेरा काम कंप्लीट भी ना होया, फिर इनका दूसरा टाइम हो जाओगा, फिर कहेंगे मोटे चाय बना लो रोटी दे दो, दे लो सारे उल्टे गुदड़म बढ़ गए हैं, खा पी कर और ना दो कर उल्टे गुदड़म बढ़ गए, फोन वाले फोन देखे हैं, सोने वाले सो गए हैं, और मेरा भी काम बढ़ जाएगा, मैं भी गुदड़म बढ़ जाऊंगी। तो भी पोता तो वाड़ा लगा दिया था, फिर है ना रोटी राटी खाई पी घूमे फिर है ना, फिर मुखा को मार दू। हो गया काम तो सारा, ये पोचा लगा दिया था ना को, फिर मखा गा कौन मार दू। मौसम सुबह था वैसे ही, ये मौसम है 10 बजे का टाइम हो गया है, कोई नहीं है वैसे धूप निकल गया, अपना गुदरम बड़े रहो, खान पीन का चाहिए जो बता दियो, गुदरम बड़े रहो मखा।
खान पीन का चाहिए जब बता दिया तो यहाँ भी बहुत चालक चुका है, मेरा काम हो गया सारा कंप्लीट, मैं भी उधर में बढ़ूंगी फिर हुकम चलाऊंगी बच्चा पर। ओके मोटा सारा काम कर दिया है। बड़ी वाइफ के काम करोगे? ये बेटा कुछ नहीं कर दी, सारा काम कर लिया, कंप्लीट हो गया। मन भी ज्यादा लग गया, मैं रजाई में बढ़गी, सारा काम कर लिया जी। मैं भी रजाई ओढ़ कर और लौटूंगी, मैं भी आनंद लूंगी, तड़के आके रोटी खा कर सारे सो। मैं भी अपना रजाई बढ़गी, 10:30 का टाइम हो गया, 3-4 बजे थी। कोई काम खोना चाहिए पूछे करो, चाहे मैं फोन में अपनी वीडियो एडिट करूँ, चाहे मैं कॉमेंट का रिप्लाई दूँ। और कई दिन से कई भी कबार है ना कॉमेंट एक आ रहा था सुभाष चंद्र जी का भी, कॉमेंट का रिप्लाई देते मैं है ना, हर बार कॉमेंट का रिप्लाई देती हूँ, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह गलत हो, रिप्लाई मैं जरूर देती हूँ। लेकिन भाई काम कुम हो जाए है भाई, कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो बेशक भी टाल भी हो जाए, बाकी मैं जहां तक मेरा ख्याल है मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूं। तो भी आज का व्लॉग मैं ये दाइंड यही करती हूं, मैं रजाई में बढ़ जाऊं, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। सर्दी हो रही है, सभी सर्दी से बचे रहना, काम करके अपना वापस बुधड़म बढ़ जाओ। राम राम।